हिम्मत होती है कि जब हम बलूचिस्तान में, मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ, मेरे कितने साथी, मेरे स्टूडेंट दोस्त, कितने मैंने उनकी लाशें पाकिस्तानी इन्हीं दहशतगर्द और शिद्दत पसंद आर्मी के मुझे लौटाई हैं। उनके चेहरे भी देखने पहचानने के लायक नहीं थे, उन पे तेजाब फेंक दी गई उनकी लाशों पे, उनको ड्रिल किया गया। तो और वही आर्मी आज कनाडा में असाइलम लेकर फैसिलिटाइज की जा रही है उनको कैनेडियन हुकूमत की जानिब से। जो आर्मी हमारे घर में घुसकर हमें मार रही है, हमारे औरतों के साथ रेप कर रही है, हमारे बच्चों को उठा रही है, उस आर्मी को वो यहाँ पे पनाह दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं ताकि वो और काबिल हो जाए हमें मारने के। जो आर्मी 1970 को बांग्लादेश में वार क्राइम्स में मुलव्वस रही है, जेनोसाइड में मुलव्वस रही है, लाखों बंगाली औरतों की असमत दरी करने में मुलव्वस रही है, वही आर्मी वो 1947 से 1948 से बलूचिस्तान में कर रही है, वही वार क्राइम, वही जेनोसाइड, वही इज्तिमाई कब्रें, वही हमारी औरतें गांव में घुसकर औरतों को हेलीकॉप्टर के जरिए उठाकर उनको अपने आर्मी टॉर्चर सेल में रखकर उनको सेक्स स्लेव के तौर पर यूज कर रही है, वही मुसलमान आर्मी, इकरा खालिद की मुसलमान आर्मी जिसे वो तहफ्फुज़ देना चाहती है। मैं एक विक्टिम के तौर पर यह समझती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ये बिल पास की गई, न सिर्फ ये कनाडा के मुसलमानों के लिए बल्कि दुनिया के इंसानों के लिए एक जहर साबित हो सकती है, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के हाथ मजबूत जो कोई भी करे, मैं समझती हूँ कि हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं, और कई हजारों की तादाद में लापता किए गए हैं। तो बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं, उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आए और उन बहनों का इंतजार कभी खत्म ही ना हो। लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं, और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे, हमें आपसे सिर्फ आपका आप हमारी आवाज बन जाएं, उस जंग की आवाज बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। और मैंने कुछ गुजराती में लिखा है, मैं वो भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके अपने जुबान में मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे कुछ कहूंगी। जे तमे हमारा बलूचिस्तान नवास्ते खरूचे एनु गनो गनो अभिमान मिनतवार।